हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे पटवारी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 12 दिसंबर की जो इवनिंग शिफ्ट हुई है उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है? तो उसमें एक टीबी थी, तो उसका आंसर है टीबी टेराबाइट। चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सबसे बड़ी टीबी होगी, तो उसका आंसर है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो मिसाइल मैन कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को, तो इसका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देवास का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो देवास का प्रसिद्ध मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। तो देवास का प्रसिद्ध मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ताकेश्वर मंदिर है कोलकाता में, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बालाघाट में जलशेरा बांध किस नदी पर है? तो बालाघाट में वैनगंगा नदी है, तो वैनगंगा नदी पर ये जलशेरा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा और यमुना को जीवित नदी का दर्जा किस हाईकोर्ट ने दिया? तो वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आई डू व्हाट आई डू किसकी पुस्तक है? तो यह है रघुराम राजन की, इसका आंसर है रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। नेक्स्ट, चित्रकूट और गोलामठ कहाँ है? तो चित्रकूट और गोलामठ है सतना में, इसका आंसर हो जाएगा सतना। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, पहला चुनाव आयुक्त कौन है? तो पहला चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 में इंडिया की रैंक है 130, तो इसका आंसर हो जाएगा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल की 5 साल की स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? तो वो मिली है स्टार इंडिया को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आठवां ब्रिक्स सम्मेलन 2016 कहाँ हुआ? तो आठवां ब्रिक्स सम्मेलन 2016 हुआ है गोवा में, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दमोह कुंडलपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो दमोह कुंडलपुर प्रसिद्ध है जैन के लिए, ये जैन धर्म के लिए एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, इसलिए दमोह कुंडलपुर प्रसिद्ध है जैन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जो जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन से सबसे बड़ी यूनिट है? तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी यूनिट, वो है टीबी, तो इसका आंसर हो जाएगा टीबी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो मिसाइल मैन कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, देवास का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो देवास का प्रसिद्ध मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर, तो इसका आंसर चामुंडा माता का मंदिर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, ताकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट के जलशेरा बांध किस नदी पर है? तो वो है वैनगंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और यमुना को जीवित नदी का दर्जा किस हाईकोर्ट ने दिया है? तो वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है। नेक्स्ट, आई डू वाट आई डू किसकी पुस्तक है? तो वो है रघुराम राजन की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चित्रकूट और गोलामठ कहाँ है? तो चित्रकूट और गोलामठ है सतना में। नेक्स्ट है, पहला चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीआई 2016 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो 130 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की 5 साल की स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? तो स्टार इंडिया को मिली है। आठवां ब्रिक्स सम्मेलन 2016 कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दमोह कुंडलपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो दमोह कुंडलपुर जैन के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।